कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर देश भर में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार का उत्तराखंड में भी व्यापक असर देखने को मिला। राजधानी देहरादून में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के कार्य बहिष्कार पर रहे। इस दौरान ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप रही। वहीं टिहरी में भी डॉक्टरों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर सभी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में हरिद्वार में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रुद्रप्रयाग के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने भी मार्च निकाला और इस जघन्य अपराध की निंदा करते हुए सुरक्षा की गारंटी के साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग की। हमने आज एक दिन का कार्य बहिष्कार किया, जो दिवंगत लड़की की आत्मा की शांति के लिए हमारा श्रद्धांजलि भी थी और साथ में हमारी मांग भी थी इसके न्याय के लिए। हमें सभी संगठनों ने सहयोग किया इसमें। हमारी यही मांग है भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी इनके माध्यम से कि वहाँ बंगाल में न्याय हो और वहाँ पे न्याय का शासन स्थापित हो, वहाँ पे सरकार को हटाया जाए। दूसरा, सुरक्षा हमारे अस्पतालों में सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जितने भी अस्पताल हैं उनमें ड्यूटी रूम, चेंजिंग रूम, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए और चिकित्सकों के लिए जितने कानून बनाए गए हैं प्रोटेक्शन एक्ट, वो ढंग से लागू हो, उसके अंदर ही अपराधियों को बुक किया जाए, ये हमारी मांग है। एक जघन्य अपराध हुआ है हमारी एक बहन के साथ, जिनमें उनको जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो इसके एवज में हमारे जो IMA के द्वारा इसको हड़ताल, प्रस्तावित हड़ताल किया गया है। आज 17 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके कल 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक OPD नहीं चलेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। इमरजेंसी में सारी चीज़ें देख की जाएंगी, पोस्टमार्टम किया जाएगा। ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस घटना की हम सब लोग, जितना भी हमारा स्वास्थ्य विभाग है, केवल चिकित्सक ही नहीं, इसकी घोर निंदा करते हैं और ये चाहते हैं जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई ऐसी पुनः कभी ना हो और उस घटना के उसमें विरोध में जो भी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो।